खबर की दुनिया में अपडेट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। क्रिस गेल फिर फेल, हफीज के आगे नहीं दिखा सके खेल। वर्ल्ड टी20 का अहम मार्का, वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, दो विकेटों के नुकसान पर 42 रन बना लिए। मुल्क भर में शायकीन का जोश खरोश, काबिल दीद हर गेंद पर धड़कने तेज, ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआएं। कराची के इलाके शराफी गोट में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम, पुलिस से मुकाबले में दो डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। एमकेएम राबिदा कमेटी का कहना है कि पुलिस का डेथ स्क्वाड मुहाजिरों की नस्ल कशी कर रहा है, ऑपरेशन की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जेर सदारत कौमी सलामती पर अहम इजलास, आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक, तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का परवेज मुशर्रफ के मामले में कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने का फैसला, नवाज शरीफ साबिक फौजी हुक्मरान का नाम ECL से निकालने पर दीगर जमातों से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को धमकियां, पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो की बरसी की तकरीबात का वक्त तब्दील कर दिया, मरकजी जलसा 4 अप्रैल को करने का फैसला। और लीबिया में मॉर्निंग ग्लोरी के पाकिस्तानी अमले को सिफारतखाने के हवाले कर दिया गया, बहुत जल्द वतन वापसी के लिए रवाना होगा।